आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ उसके पोर्शन पढ़ लिए थे, कुछ उसके पॉइंट्स पढ़ लिए थे जिसमें रीजनरेशन था, सेल ग्रोथ और रिप्लेसमेंट वगैरह थी। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का, वो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेल की डिवीजन की एक टाइप है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जिसके अंदर क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल के अंदर। ये हमें थोड़ा पहले से भी आइडिया है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल के अंदर जो है वो डिवाइड कर जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल के अंदर होती है वही इंफॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, उसको किसके जरिए जो है वो इंक्रीज करते हैं? तो वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी न्यू इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करते हैं, उनकी तादाद को बढ़ाते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, चंद एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसमें हमारे पास हाइड्रा है, अमीबा है, प्लेनेरिया है और बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स भी हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेप्स आ जाती हैं, रोजेज हैं और इसके अलावा हमारे पास जो है वो शुगर केन आ जाता है। तो ये अपनी जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू ए सेक्सुअली जो है वो इंक्रीज करते हैं। ए सेक्सुअली मतलब इसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट से इंक्रीज कर जाती है जनरेशन। अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, कि हाइड्रा अपनी नस्ल को कैसे इंक्रीज करता है। तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। हाइड्रा जो है वो अपनी नस्ल को बडिंग के जरिए जो है वो इंक्रीज करता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास बड क्या है। बड हमारे पास सेल्स होते हैं हाइड्रा की सरफेस पर, और वो सेल कैसे बनते हैं? थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेल काफी जमा होना शुरू हो जाते हैं हाइड्रा की सरफेस के ऊपर थ्रू प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर हमारे पास मैस ऑफ सेल जो है वो बन जाते हैं। उस मैस ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये मैस ऑफ सेल जो है वो बन रहे हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बड फिर ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर ये फुली ग्रो हो चुका है। जब ये बड फुली ग्रो हो जाता है तो ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और ये जो बड है फिर आगे अपनी जो रिमेनिंग ग्रोथ है उसको जारी रखता है, और यहाँ तक कि एक मुकम्मल हाइड्रा जो है वो बन जाता है। जब ये मुकम्मल हाइड्रा बन जाता है तो फिर इस हमारे पास हाइड्रा से भी आगे न्यू इंडिविजुअल जो है वो बने। जैसे हमारे पेरेंट सेल से, जो हमारे पास पेरेंट था उससे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर एक हमारे पास डॉटर हाइड्रा जो है वो बन गया है। अब ये जो डॉटर हाइड्रा है बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है इससे, पेरेंट से जो है वो पेरेंट की तरह जो है वो सेम है। अब आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास अगर माइटोसिस के अंदर एरर आ जाए तो फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होता था, हमारे पास वन पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास जीन्स मौजूद होती हैं, और वो जीन्स ही कंट्रोल करती हैं सेल की डिवीजन को। अगर उन जीन्स के अंदर एरर पैदा हो जाए तो उन एरर की वजह से सेल की डिवीजन में मसाइल पैदा होंगे, और यहाँ तक के कैंसर जो है वो बन जाएगा। अब हम देखेंगे भी कि कैंसर कैसे बनता है, और फिर कैंसर से ऑर्गेनिज्म को किन हालात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूमर। तो एरर आ जाना उन जीन्स के अंदर जो कंट्रोल करती हैं सेल डिवीजन को, अगर उन सेल उन जीन्स के अंदर ही एरर आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल की डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी। अनकंट्रोल मतलब जहां वो जीन सेल को कंट्रोल कर रही थी, अब ये जो सेल्स हैं वो अपनी मर्जी से टैक्सीन होंगे,
और इसकी वजह से अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स पैदा होंगे। अब ये एबनॉर्मल सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जो कोई भी काम नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब हमारे पास बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, अगर वो ट्यूमर अपनी जगह पर रहे जहां स्टार्ट हुआ था तो उसे हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर ट्यूमर जिस जगह से स्टार्ट हुआ है, जिस बॉडी के पार्ट से स्टार्ट हुआ है, अगर वहीं पर मौजूद रहता है, बॉडी के बाकी हिस्सों के अंदर नहीं जाता, तो उसे हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। और अगर ये ट्यूमर, अगर वो बिनाइन ट्यूमर हमारे पास जो सराउंडिंग के अंदर उसके मौजूद सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उसको खाना शुरू कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कहते हैं। अब जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स के जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है हमारे पास, अगर मलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स, यहाँ पर हमारे पास जो मलिग्नेंट ट्यूमर बना था उसके सेल्स को हमने क्या कहा था, कैंसर सेल्स कहा था। अगर मलिग्नेंट ट्यूमर अपने सेल्स को बॉडी के दूसरे हिस्सों के अंदर भेजना शुरू कर दें तो वहां पर वो जाकर वो जो हमारे पास कैंसर सेल्स होंगे मलिग्नेंट ट्यूमर के, वो क्या बनाना शुरू कर देंगे, नया ट्यूमर जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। और मेटास्टेसिस मीनिंग क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़।